सलाम हिंदुस्तान दोस्तों, मैं हूं मोइन शमसी। ये चैनल है माय हिंदी माय उर्दू। उर्दू के कुछ शब्द अर्थों के साथ बता रहा हूं और शुद्ध उच्चारण तो हमेशा बताता ही हूं। सबसे पहले दर बदर। दर बदर का मतलब है घर घर। दर बदर फारसी से आया है और इसका अर्थ एक तो यह है कि घर घर, एक है एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे। कहते हैं ना डोर टू डोर जाना, तो उसको दर बदर कह सकते हैं। अच्छा, दूसरा है अशिया। अशिया शब्द जो है वो शय शब्द का बहुवचन है। शय कहते हैं चीज़ को। शय मीन्स एक चीज़ और अशिया मीन्स एक से ज़्यादा चीज़ें, मतलब बहुवचन है शय का अशिया। इसके बाद यकायक। यकायक का मतलब होता है अचानक, और इसके लिए और भी शब्द हैं यकबयक, अकस्मात, सहसा। ठीक है, तो यकायक। इसके बाद लम्हा। लम्हा पल को कहते हैं, मोमेंट, पल, लम्हा। मुनासिब एक शब्द है। मुनासिब का मतलब है उचित। और राल एक शब्द है। राल लार को कहते हैं, जो मुंह से निकलती है उसको लार कहते हैं ना हिंदी में, उर्दू में उसको राल कहते हैं। इसके बाद दुश्वार। दुश्वार का मतलब है मुश्किल। और जानिब एक शब्द है, जानिब। जानिब का मतलब है की तरफ, और कहते हैं हिंदी में, और तरफ, जानिब। फिर है शीरीं। शीरीं का मतलब है मीठा, स्वीट। और जबां का मतलब है जबान, जीभ, बोली। ज़ुबान भी कहते हैं और ज़बाँ और ज़बान भी कहते हैं। इसके बाद शाख। शाख का मतलब है शाखा, ब्रांच, टहनी। फिर गालिबन। गालिबन शब्द को पढ़कर कई लोग गालिब साहब को याद करने लगते हैं। गालिब साहब से इस शब्द का कोई मतलब नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है। गालिबन का मतलब है शायद, परहैप्स, आई थिंक, मे बी, मतलब अंदाज़ा लगा रहे हैं, शायद। गालिबन, गालिबन नहीं, गालिबन। इसके बाद हसरत। हसरत का मतलब है ख्वाहिश, चाह, इच्छा, अभिलाषा, आकांक्षा, आरजू, तमन्ना। कितने पर्यायवाची बता दिए मैंने, हसरत। इसके बाद एक शब्द है वाकई। वाकई का मतलब है वास्तव में, रियली, वाकई, वास्तव में, वाकई, वाकई नहीं, वाकई। इसके बाद सदा। सदा उर्दू में भी होता है, हिंदी में भी होता है। उर्दू में जो सदा होता है उसका मतलब होता है आवाज़, और हिंदी का सदा का मतलब है सदैव, यानी हमेशा, सदा। उर्दू वाला सदा स्वाद से शुरू होता है उर्दू में, और हिंदी वाला सदा उर्दू में सीन अक्षर से शुरू होता है। कहलाते दोनों सदा ही हैं। इसके बाद कह कहा। कह कहा को कह कहा न कहें, यह है कह कहा। कह कहा का मतलब है ठहाका, ठहाका, लाफ्टर। इसके बाद तरन्नुम। तरन्नुम का मतलब है मीठी आवाज़ में गाना, तरन्नुम। वैसे नाम भी होता है लोगों का। तो कैसे लगे ये शब्द आप बताइए, अच्छे लगे होंगे, कमेंट बॉक्स में अपनी बात ज़रूर लिखिए। आता हूँ बहुत जल्द लेकर कोई और बढ़िया सा वीडियो। मैं हूँ मोइन शमसी, ये चैनल है माय हिंदी माय उर्दू। सलाम हिंदुस्तान।